नहीं के लिए आज मैं बना रही हूँ बॉयल छोले। छोले में मैं बॉयल करते टाइम पे डालती हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी, लाल मिर्च, थोड़ा सा छोले मसाला। ऐसा करने से ये जो सारे फ्लेवर्स है अच्छे से छोले के अंदर चले जाते हैं और ऊपर से मसाला चिपका हुआ नहीं लगता है और काफ़ी अच्छे लग जाते हैं। अगले दिन नाश्ते में या फिर टिफिन में जो भी आप बनाना चाहते हैं पहले से सोच कर रखें। ऐसा करने से काफ़ी ज़्यादा टाइम सेव होता है और आप क्विकली सारी चीज़ें कर सकते हैं। मैं यही फॉलो करती हूँ, पहले सोच कर रखती हूँ और उस हिसाब से ही काम करती हूँ। लुक, क्या है ये? खाना है। हाँ तो अभी कच्चा है ना, क्या है? टेल मी। काफ़ी सारा आटा ऑलरेडी रेडी है और इसके मैं बनाने वाली हूँ प्लेन पराठे, मतलब लच्छा स्टाइल में प्लेन पराठे विद चाट मसाला एंड चाय हम खाएंगे नाश्ते में। तो ये सिंपल नाश्ता भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, बनाने में आसान होता है, टाइम कम लगता है। पराठे में ऐसे लच्छे आए इसके लिए आपको फोल्ड करना है बिल्कुल वैसे ही जैसे बचपन में पेपर का फैन बनाते समय फोल्ड करते थे। और मैंने लगाया है घी, आप चाहें तो तेल भी लगा सकते हैं पराठे बनाने के लिए। मैं आज बनाने वाली हूँ सारे पराठे घी लगाकर। तो मैंने लच्छा बनाने के लिए पहले घी लगाया है, फोल्ड करूँगी इनके रोल्स बना के पहले ही सारी लोइयाँ मैं रेडी करूँगी। अगर कभी मेरा लच्छा पराठे बनाने का प्लान होता है तो मैं ऐसे ही करती हूँ कि पहले लोइयाँ रेडी कर लेती हूँ। ऐसा करने से बाद में फटाफट पराठे बेलो और सेको, टाइम काफ़ी सेव हो जाता है। साथ ही मैं अगर स्टफ पराठा बनाना होता है तब भी मैं ऐसे ही करती हूँ कि लोइयाँ जो है उनमें स्टफिंग भर के सब रेडी रखती हूँ और फटाफट फिर पराठे बनाओ, बेलो और परोसो। इससे भी काफ़ी हेल्प मिल जाती है। बस इसे घुमाकर नीचे की तरफ एंड को टक इन करना है और ये बन गई लोई। बस ऐसे ही मैं बाकी बनाऊँगी। पराठा सेकते समय आप कितना ज़्यादा या कम घी तेल डालना चाहते हैं टोटली आप पर डिपेंड करता है। ओवरऑल दिन भर में, हफ्ते भर में आपकी डाइट कैसे है उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं। लच्छा पराठे बनाते समय अगर घी डालें, सेकते समय भी थोड़ा घी यूज़ करें तो काफ़ी अच्छे क्रिस्पी बन जाते हैं और बिना किसी सब्जी और चटनी के भी ये बहुत अच्छे लगते हैं। हल्का सा चाट मसाला, अभी ये जो मसाले का स्प्रिंकलर है एकदम से मसाला नहीं गिरता है ज़्यादा, तो थोड़ा सा चाट मसाला और साथ में चाय, ये भी काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है, सिंपल चाय पराठे का एवरग्रीन कॉम्बिनेशन।
छोले भी रेडी है, अच्छे से गल गए हैं, मतलब शेप भी रिटेन है और अच्छे से पके भी हैं, और ये जाएंगे राहिनी के टिफिन में। इस हफ्ते मैं राहिन्य को 2 दिन कटलेट देने वाली हूँ, यूजुअली 1 दिन देती हूँ। जब समर वेकेशन स्टार्ट हो जाएंगी तब मैं उसे कटलेट दूंगी ही नहीं, सिर्फ स्कूल टाइम में ही मेरा देने का प्लान है। तो यहाँ पर ये पनीर है जो आई ने घी बनाते समय जो बटर मिल्क बच जाता है उसे हीट करके बनाया है, इसलिए इसका कोई शेप नहीं है, रादर शेप दिया ही नहीं। अगर आप भी घर पर घी बनाते हैं तो बटर निकालने के बाद जो पानी बच जाता है, छाछ बच जाती है, उसे अगर आप गर्म करेंगे और फिर छानेंगे तो अच्छी क्वांटिटी में आपको पनीर मिल जाएगा। अब इसी पनीर को मैश करके इसमें हल्दी, मिर्ची, मसाले, अदरक लहसुन का पेस्ट, ये डालकर मैं स्टफिंग बनाऊंगी। इन सब चीज़ों के साथ साथ मैं कभी कभी इसमें धनिया भी डालती हूँ चॉप करके, या फिर कसूरी मेथी डालती हूँ। प्याज अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, इमीडिएटली बनाना चाह रहे हैं तो प्याज डालें, वरना प्याज का पानी छूट जाएगा। राहिनी के लिए मैं बना रही हूँ आलू पनीर के कटलेट्स। कटलेट में डालूंगी आलू और पनीर ऑफ कोर्स, साथ में थोड़ी सी हल्दी, मिर्ची, अदरक लहसुन का पेस्ट, चिकन मसाला या फिर छोले मसाला, मैं अल्टरनेट करती रहती हूँ, या फिर मीट मसाला। ये जो मसाले हैं यूजुअली मैं एवरेस्ट ब्रांड के यूज़ करती हूँ। जो मसाले हैं ये वेजिटेरियन ही होते हैं, भले ही आप उन्हें नॉनवेज में यूज़ कर सकें, तो अगर आप वेजिटेरियन हैं तब भी आप इन मसालों का यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पर क्लियरली आपको ग्रीन स्क्वायर और डॉट दिख जाएगा, कोई भी ब्रांड आप यूज़ करें, पर आप ट्राई कर सकते हैं, डिफरेंट टेस्ट आता है चीज़ों में, अच्छी लगती है अलग अलग टेस्ट वाली चीज़ें। सिर्फ पनीर का यानी प्लेन पनीर का पराठा भी आप ऐसे ही बना सकते हैं, आलू की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैं कटलेट बना रही हूँ इसलिए मैंने आलू लिया है बाइंडिंग के लिए। यहाँ पर आप आलू की क्वांटिटी और कम करके पनीर बढ़ा सकते हैं। बस अभी इसके मैं कटलेट्स बनाने वाली हूँ। आज मैं बनाऊंगी हार्ट शेप के। हार्ट शेप का कटलेट एग्जैक्टली मैं कैसे बनाती हूँ आप में से कुछ लोगों ने पूछा था, तो पहले लुई बनाएं, इसे फ्लैट करें, और जो हार्ट का ऊपर का शेप है वो या तो मैं उंगली से दे देती हूँ या फिर किसी चम्मच से जस्ट एक कट लगा के फिर शेप देती हूँ। तो एजेस अच्छी सी आप डिफाइन कर ले। अगर आपको एक बार प्रैक्टिस हो गई तो ये हार्ट बनाने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और बिना किसी मोल्ड के आप हार्ट शेप के कटलेट्स बना पाएंगे। Okay, what do you want? Good morning! It's a good morning. Mm.
बाइंडिंग में भी मैंने रोस्टेड ज्वार का आटा डाला है और यहाँ पर बैटर भी मैंने रोस्टेड ज्वार के आटे का ही बनाया है। तो पहले ज्वार के आटे के बैटर में कोट करके नेक्स्ट कॉर्नफ्लेक्स जो मैंने मिक्सी में घुमाया है उसमें मैं कटलेट्स को कोट करूँगी। इन कटलेट्स को आप डीप फ्राई करने की जगह एयर फ्राई भी कर सकते हैं। कुछ टाइम के बाद मैं यही चीज़ करूँगी, थोड़ा सा ऑयल स्प्रे करके एयर फ्राई या फिर OTG में आप बना सकते हैं विद कन्वेक्शन फैन ऑन, और ये कटलेट्स काफ़ी अच्छे बन जाएंगे। डेफिनेटली थोड़ा सा डिफरेंस आएगा फ्लेवर में, बट स्टिल जैसे राहिल ने है उसे एक बार कटलेट की आदत हो गई तो मुझे डेफिनेटली पता है कि वो एयर फ्राइड भी खा लेगा। टेस्टी और खस्ता आलू पनीर के पराठे रेडी हैं। कटलेट्स को अगर आप डीप फ्राई करते हैं या फिर शैलो फ्राई करते हैं तो उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है इसे आप एक टिश्यू पेपर से निकाल सकते हैं। राहिने के टिफिन में मैं एक एडिशनल टिश्यू पेपर भी रख देती हूँ ताकि जो भी लेफ्ट ओवर अगर ऑयल बचा हो तो वो भी निकल जाए। क्या हो गया बेटा? राहिने का आज स्कूल जाने का मन नहीं है, खैर थोड़ा सा कन्विंस कर लो वो मान जाता है। पालक मैंने खरीदा है तो बस अभी आज और कल मैं शायद पालक की ही चीज़ें बनाऊंगी, तो पालक को वॉश करके इसमें प्यूरे बनाऊंगी। ब्लांच करके नहीं बना रही हूँ मैं, पराठों में डायरेक्ट ही प्यूरे बनाकर यूज़ कर लेती हूँ। थेपले बनेंगे आज गेहूँ के आटे में, थोड़ा सा लहसुन अदरक मसाले तिल डाल के, ये काफ़ी अच्छे लगते हैं। थेपले पराठे जो भी आप बोलो, अच्छे से लहसुन अदरक डालेंगे तो बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। हमारे लिए बनेंगे प्लेन पराठे, तो इस तरह के प्लेन पराठे, प्लेन एज इन पालक के प्लेन पराठे। इसके साथ में चाय अच्छी लगती है, किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। राहिने को टिफिन में देने के लिए मैं सोच रही हूँ कि डिफरेंट शेप्स बनाऊँ, बच्चों को ऐसे अलग अलग शेप्स ज़रा अट्रैक्टिव लगते हैं, इंटरेस्टिंग लगते हैं। तो थोड़ा ज़ीरा, लहसुन अदरक का पेस्ट, हल्दी, लाल मिर्ची, तिल, कोई मसाला आपको यहाँ पर अलग से डालने की ज़रूरत नहीं है, इन सारी चीज़ों से काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है। आप चाहें तो इन पराठों में हरी मिर्ची का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। और पराठों को सॉफ्ट बनाने के लिए थोड़ा सा तेल, 1 से 2 टीस्पून।
सर्कल स्क्वायर ट्रायंगल ये पराठे बनाने में कोई डिफिकल्टी नहीं होती है, रेगुलर शेप्स हैं, इनके पीछे एक लॉजिक है। पर जब अलग शेप का कुछ बनाना होता है तो मैं ऐसे चाकू से कट कर लेती हूँ, तो हार्ट शेप का या फिर पेंटागॉन, हेक्सागॉन, ऐसे चाकू से कट करके अच्छे से शेप्स बन जाते हैं। पहले किसी भी एक रेगुलर शेप का पराठा बना लो, वो गोल हो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एक्स्ट्रा जो भी आटा है वो निकालना ही है। तो ये बन गया हार्ट शेप का पराठा। अब ऐसे ही मैं बनाऊंगी स्क्वायर, ट्रायंगल और पेंटागॉन। हम लोगों के लिए मैं बना रही हूँ नॉर्मल बड़े सर्कल वाले पराठे, जो फटाफट बन जाते हैं कंपेयर टू छोटे छोटे अलग अलग शेप वाले पराठे। पालक को उबलते हुए पानी में मैंने 2 मिनट ब्लांच किया। अब मैं इसे हल्का सा निचोड़ के फाइनली चॉप कर रही हूँ। मैंने कहा था कि आज मतलब इस हफ्ते 2 दिन मेरा हिन्ने को कटलेट दूंगी।
कटलेट्स में मैं पालक डालना चाहती हूँ, साथ ही में मैं ये भी चाहती हूँ कि कटलेट का मिक्सचर लूज ना हो, जिस वजह से बाइंडिंग के लिए आटा ज़्यादा डालना पड़े, इसलिए मैंने पालक ब्लांच करके फाइनली चॉप किया है। ऐसा करने से पालक काफ़ी ड्राई होगा। अब इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा आलू और बाकी के मसाले जो मैं डालती हूँ, और बाइंडिंग के लिए रोस्ट किया हुआ ज्वार का आटा, और फाइनली कोटिंग के लिए ज्वार के आटे का बैटर और कॉर्नफ्लेक्स। यह है रोस्टेड जवार का आटा। मैं इसे माइक्रोवेव में रोस्ट कर लेती हूँ। माइक्रोवेव में जब मुझे चाहिए तब बस एक छोटी सॉसर में मैं लेती हूँ और 2 से 3 मिनट के लिए रोस्ट कर लेती हूँ। ये एक बहुत ही क्विक होने वाला प्रोसेस है जहाँ पर मैं अपने माइक्रोवेव का यूज़ कर लेती हूँ, विच आई थिंक इज़ वेरी नाइस। अगर आप भी चाहते हैं इस तरह के हेल्दी बाइंडिंग इन्ग्रीडियंट्स आप यूज़ करें, तो तवे पर रोस्ट करने से ज़्यादा आसान है माइक्रोवेव में, क्योंकि जब मैं कुछ और काम कर रही होती हूँ किचन में और मुझे माइक्रोवेव में कोई चीज़ डाल देनी होती है, तो वो अनअटेंडेड वहाँ पर वैसी ही रह जाती है। आपके बच्चे की कौन सी एक डिश है जो टिफ़िन में वो बार बार मांगते हैं, बट भले ही वो अदरवाइज़ दिन के मील में वो चीज़ ना मांगे। जैसे राहिने को कटलेट्स पसंद है, पर ऐसा नहीं है कि वो लंच में और डिनर में भी कटलेट्स मांगेगा। जब स्कूल के टिफ़िन की बात आती है तो कटलेट्स उसके फेवरेट हो जाते हैं। वैसे आज सबके लिए घर में कटलेट्स ही बन रहे हैं। एक्चुअली मेरा फास्ट है तो मैं नहीं खाने वाली हूँ, अभिजीत भी नहीं खाने वाले हैं, तो कटलेट्स है राहिने के लिए और राहिने की दादी के लिए। मुझे बड़ा मज़ा आता है जब आप कुकिंग व्लॉग्स देखते हैं, अपने कमेंट्स शेयर करते हैं, कुछ सजेशंस या फिर जो आपको चीज़ पसंद आई। बस एक चीज़ हो जाती है कि जो कुकिंग व्लॉग जब शूट होता है उसके कुछ एक डिले के बाद वो पोस्ट होता है, तो ये व्लॉग भी आपको कुछ समय बाद ही देखने मिलेगा। बट आप चिंता ना करें, मैं हमेशा ये व्लॉग्स पोस्ट करती रहूँगी। हेलो, ऐसे मत करो। 9 चाहिए ना तुम्हें? 9 चाहिए? हाँ। ये 9 है। काउंट करके बताओ मुझे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Will you share it with Anish? No. क्यों? Okay? हाँ 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 चलो, say bye.